नहीं अच्छा तो है, फिर गरीब वाली तरफ मर जाएगा। तो सरकार से क्या कहना है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं कहूँगा गरीब आदमी हमेशा तरफ मरता है, मरे मरे है गरीब आदमी। नहीं, हमारे पास गाड़ी में पीसीआर में सैनिटाइजर है, अगर कोई मांग रहा है तो हम दे रहे हैं, हम तो यूज कर रहे हैं सैनिटाइजर जी। हाँ जी। तो सर ये जो पास वगैरह को लेकर जो सख्ताई दिखाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मार्केट कमेटी की तरफ से अलाउ कर रखे हैं पास, जिसके पास पास है वो अंदर जा रहा है, जिसके पास नहीं है और किसी का अर्जेंट देख रहे हैं कि जैसे अभी एक केस ऐसा आया था जिनके लड़की की शादी है आज, उनके पास परमिशन भी है तो उनको अलाउ कर दिया था। तो सर जैसे मान लीजिए काफी लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां हैं और उनके पास परमिशन नहीं है, तो उनका आप कैसे करेंगे सर? वो सेक्रेटरी साहब अपने विवेक से फैसला लेंगे, सेक्रेटरी साहब इसीलिए मौजूद है मौके पे। तो पब्लिक सर कहीं ना कहीं आपको कोऑपरेट कर रही है लग रहा है आपको? हाँ, कोऑपरेट कर रही है। साथ ही राम प्रकाश हिसार से जनमानस की जुड़ी हुई छोटी सी छोटी तकलीफों को हमेशा अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से हम सबको दिखाते रहते हैं। आज ही ऐसा पूरा का पूरा वाकया और पूरी रिपोर्ट उन्होंने सब्जी मंडी की भेजी। आप देखिए और खुद ही समझ जाएंगे जनता, प्रशासन और लोगों की अपनी दिक्कतों को राम प्रकाश ने कैसे बखूबी आपके सामने रखा हुआ है। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आप देखिए साथी राम प्रकाश की रिपोर्ट हिसार सब्जी मंडी से, क्या हालात है वहां के। 2,500 के करीब जो है पास कमेटी की तरफ से बना दिए गए हैं और अभी जो बाकी जो लोग रह गए हैं उनके पास आज बता रहे हैं जो अधिकारी यहाँ खड़े हैं मार्केट कमेटी के, उन्होंने बताया कि आज बनाएंगे, बाकी जो लोग रह गए। तो आइए पुलिस प्रशासन से भी 2-4 सवाल हम कर लेते हैं कि भी व्यवस्था को लेकर कैसे पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। आप देख रहे हैं एसआई साहब जो यहाँ खड़े हैं, इन्होंने भी ऑटो को रोका है और मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई जो है यहाँ देखने को मिल रही है। नमस्कार सर। सर यहाँ जो ये है क्या सैनिटाइजर वगैरह की सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं, हमारे पास गाड़ी में पीसीआर में सैनिटाइजर है, अगर कोई मांग रहा है तो हम दे रहे हैं, हम तो यूज कर रहे हैं सैनिटाइजर जी। हाँ जी। तो सर ये जो पास वगैरह को लेकर जो सख्ताई दिखाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मार्केट कमेटी की तरफ से अलाउ कर रखे हैं पास, जिसके पास पास है वो अंदर जा रहा है, जिसके पास नहीं है और किसी का अर्जेंट देख रहे हैं कि जैसे अभी एक केस ऐसा आया था जिनके लड़की की शादी है आज, उनके पास परमिशन भी है तो उनको अलाउ कर दिया था। तो सर जैसे मान लीजिए काफी लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां हैं और उनके पास परमिशन नहीं है, तो उनका आप कैसे करेंगे सर? वो सेक्रेटरी साहब अपने विवेक से फैसला लेंगे, सेक्रेटरी साहब इसीलिए मौजूद है मौके पे। तो पब्लिक सर कहीं ना कहीं आपको कोऑपरेट कर रही है लग रहा है आपको? हाँ, कोऑपरेट कर रही है जी सर। तो देखा जैसे कि सर ने बताया एसआई साहब ने कि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, जो लोग पास नहीं है उन्हें यहाँ एंट्री नहीं करने दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं सभी के पास जो है यहाँ चेक किए जा रहे हैं मार्केट कमेटी की तरफ से। ये आप देख सकते हैं ये पास हैं तो सरकार द्वारा मार्केट कमेटी द्वारा जो जारी किए गए हैं। नमस्कार सर, ये आपने सर मार्केट कमेटी से कितने पास अभी इशू हुए होंगे सर? हम लगभग 2,000 के ऊपर इशू कर चुके हैं जी सर। और आगे मान लीजिए जो लोग रह गए हैं उनको आप पास जारी करेंगे आगे? हाँ बिल्कुल, जो भी आएगा हम उसी समय बना के देंगे। पास की सर कोई वैधता है? पास लॉकडाउन तक है। लॉकडाउन तक तो वीकेंड रहेगा या लॉकडाउन आगे भी चलेगा? ये तो सरकार ने देखना है जी। और बाकी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आप देख रहे हैं? किसी प्रकार की कोई समस्या आपको दिख रही है? कोई समस्या नहीं, कोऑपरेट कर रहे हैं जी सर। जैसा सर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, ये इन्होंने बताया कि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, जिनके पास में पास नहीं है उनको एंट्री यहाँ बिल्कुल नहीं करने दी गई है, हम सुबह से ही देख रहे हैं। तो देखा साथी ये भाई भी गले में, ये आपने क्या पास गले में लटका लिया है? हाँ जी। इसलिए गले में किस लिए लटकाया है इसको? इसको लेमिनेशन करा के आप वैसे रख लीजिएगा। लेमिनेशन है इसमें? अच्छा, लेमिनेशन आपने किया हुआ है। हाँ। तो आप गले में लटका के चल रहे हैं ताकि पुलिस वाले दूर से दिख जाए? ठीक है। तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं और लोगों ने भी कहीं ना कहीं आपने देखा कि पास जो है कोई गले में लटका के आ रहा है, कोई अपने साथ में लेके आ रहा है। और मंडी में भी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। और एक चीज आपको यहाँ बता दें कि यहाँ ये देखने को मिला कि जो आवारा पशु आप देख सकते हैं कि गायें सब्जी मंडी में, आवारा पशु जो गायें वगैरह हैं, सांड वगैरह है, वो ऐसे खुले में फिरते रहते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को भी भय बना रहता है कि भी, क्योंकि कई बार पशु जो है आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर भी जा चढ़ते हैं और
चोट वगैरह भी जो है यहाँ लोगों को लग जाती है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पोलोथीन वगैरह खाने पे गायें ये मजबूर है। करोड़ों रुपए सरकार ने गौशालाओं के नाम पे और नंदीशालाओं के नाम पे जो है बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पशु कहीं ना कहीं आवारा आपको देख सकते हैं, यहाँ घूम रहे हैं सब्जी मंडी के अंदर। ये जिसको गौ माता जो है सरकार कहती है, उनकी दुर्गति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ गाय जो है पोलोथीन वगैरह खाने को मजबूर है। खाने को मिला कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है गायब है। मास्क जरूर यहाँ लोगों ने लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ ने नहीं लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है तरीका नहीं है लोगों के पास में यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से भीड़, और मार्केट कमेटी और पुलिस प्रशासन जो है बाहर मुस्तैद है। बाबू जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है? हाँ जी कुछ कहना चाहेंगे वीकेंड लॉकडाउन के बारे में? हाँ जी बहुत बढ़िया है जी, ये जनता के लिए बहुत बढ़िया है जी। दूरी बनाए रहे, मास्क डाले जाए, अपनी सेफ्टी आप करें। अगर दो दिन से ज्यादा लंबा चलता है लॉकडाउन, फिर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस जनता ही है, जो गरीब आदमी है कैसे जिएगा, कैसे खाएगा पिएगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ जो है ये जो सामान वगैरह जो सब्जी आई है, क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से सड़ रही है सब्जियाँ? सड़ रही है जी, लॉकडाउन से सड़ रही है। 25,000 पीस हो रहा है, 40,000 10 हो रहा है, सड़ रहा है। काला बाजारी तो नहीं हो रही है? मंडी वगैरह बाहर हो रही है काला बाजारी, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो सब सही है, यहाँ सही है। यहाँ क्या रेट चल रहा है, ये आम का क्या रेट है? आम 25 रुपये चल रहा है, 25 रुपये चल रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया काला बाजारी नहीं चल रही है। हाँ जी बाहर नहीं है, यहाँ देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग जो है बिल्कुल नहीं है साथियों। हाँ जी बाबू जी, ये मास्क आपने क्यों उतारा है? सरकार के निर्देश है, उसके बावजूद आप ये काम कर रहे हैं, तो ये आप वीकेंड लॉकडाउन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बात क्यों रहे हैं अब आप? आप यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही है, और मास्क भी लोग जो है नहीं लगाए। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे वीकेंड लॉकडाउन जो सरकार की तरफ से एकाएक लगाया गया है? हाँ जी वीकेंड लॉकडाउन जो सरकार की तरफ से एकदम लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? 16 किलो देख लो भाई, 31 किलो वजन ठीक भी है हमारे सब्जी दोनों। सब्जी यार रुक के खड़ी होगी, अंदर बढ़ने देते ना, खरीदार को तो बढ़ने देते हो, और सब्जी वाले जिम्मेदार को बढ़ने दे, खरीदार नहीं बढ़ेगा तो क्या करेगा? 31 किलो खरीदार नहीं आएगा तो इसको कौन लेगा? तो आगे भी अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बताओ, इतना तो हमने जानवर हम तो छोटी क्वालिटी के आदमी है, इतने वो नहीं जानगा, ये हमारे तो खरीदार को तो बढ़ने नहीं देते, एक खरीदार को आगे लेकर। जैसा कि इन्होंने बताया कि खरीदार को घुसने नहीं दिया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि सब्जी जो है यहाँ ढेर लगा पड़ा है, खरीदार या नहीं है, लेकिन भीड़ जो हम देख रहे हैं पूरी है, लेकिन जो आड़ती है वो उनका कहना है कि भाई खरीदार यहाँ नहीं दिख रहा है, बहुत कम खरीदार जो आया हुआ है। और सब्जी आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंडी भरी पड़ी है, कहीं ना कहीं किसान को भी इस वीकेंड लॉकडाउन का जो है हर्जाना भुगतना पड़ेगा। बाबू जी ये जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या बताएं जी, सरकार ने लगाया है तो ठीक है, ठीक है। अगर आगे लंबा चलता है तो फिर अगर बीमारी इससे खत्म होती है तो क्या दिक्कत है जी लॉकडाउन? आपको लगता है बीमारी लॉकडाउन से खत्म हो जाएगी? अगर अच्छी तरह उसको पालन करेंगे तो हो जाएगी जी। यहाँ ये आलू प्याज का सेट है, हिंदुस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी, हम इनसे पता करते हैं क्या रेट चल रहा है। हाँ जी सर, आलू क्या रेट बेच रहे हैं आप? आलू 11 रुपये किलो। 11 रुपये किलो, लेकिन पहले तो हमने देखा था कि नवरात्रों से पहले तो 6-7 रुपये किलो बिक रहा था, अभी 11 कैसे हो गया अचानक से? नवरात्रों में था नहीं, 10 रुपये किलो, 9 रुपये किलो, 9 रुपये किलो, तो अभी अचानक से कैसे रेट तेज हो गया है? ऐसा जी लोकल आलू आ रहा था, वो हो गया खत्म, अब आ रहा है इससे स्टोर आगरा से। तो आपने मास्क भी नहीं रखा है, ये इसको लगा भी नहीं रहा है, बात करो जब नहीं, ये लग भी नहीं रहा आपका सही तरीके से। हाँ जी बाबू जी क्या रेट चल रहा है, प्याज का क्या रेट बेच रहे हो आप? प्याज बिक रही है 11-11.5 रुपये, 11 रुपये, और लॉकडाउन से पहले यही पोजीशन थी, 11 ही चल रहा है, 11 थी। कोई काला बाजारी वगैरह तो नहीं है? तो ये जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो सारे हिंदुस्तान के लिए है सर, सारे हिंदुस्तान के लिए, वो तो बात ठीक है, अच्छी बात है लोगों के लिए। अच्छा। बचाव के लिए बहुत अच्छा है सर, बचाव के लिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आपकी ई रिक्शा है,
तो आपको ये जो वीकेंड लॉकडाउन जो सरकार ने लगाया इसके बारे में आपकी क्या राय है? ठीक अच्छा ही है जी। ठीक है, तो आपको नुकसान नहीं है कहीं ना कहीं? नुकसान तो होगा, सारा का ही होगा, तो इसमें फायदा भी तो है, कितनी बोरी मरण लग रही है, लोग मरण लग रहे हैं, मतलब आपको दिख रहा है, तो एहतियात आप बरत रहे हैं, सैनिटाइजर है आपके पास? है जी, सीसी इसके अंदर, इसके अंदर रखे आप। आइए ऑटो वालों से भी जान लेते हैं। अरे जो आपके पास भी पास है दिखाएंगे आप, इनके पास में भी पास है, पास वालों की एंट्री है अंदर। तो ये जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया सरकार की तरफ से, इसके बारे में क्या राय है आपकी? ठीक है, ये अच्छा किया है। अच्छा किया है, नुकसान क्या होगा इसका? नुकसान क्या, कुछ नहीं होगा, अच्छा है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा किया पहले। अगर लंबा चलेगा फिर गरीब आदमी गरीब आदमी भैया तो कह रहे हैं अच्छा किया, नहीं अच्छा तो है, फिर गरीब वाली तरफ मर जाएगा। तो सरकार से आप क्या कहना है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं कहूंगा गरीब आदमी हमेशा तरह मरता है, गरीब आदमी मरे मरे है, गरीब आदमी क्यों ना उसको हम तो नाम देंगे जान दे रहे। गरीब जो है कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मरेगा और गरीब की ही मर है, ऐसा लोगों का कहना है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे वीकेंड लॉकडाउन के बारे में? हाँ जी, क्या हो रहे थे, पढ़ा लिखा कौन है जी? पढ़े लिखे तो नहीं है, लॉकडाउन जो सरकार ने लगाया उसके बारे में, और आप इतना वजन लेके रिक्शा में चल रहे हैं? हाँ जी, अड़े चला। अच्छा, भैया आपका क्या कहना है वीकेंड लॉकडाउन के बारे में? कुछ कौन सवा दो सौ ले लिए, दो सौ दिया करो भाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिल रही है। भैया वीकेंड लॉकडाउन जो लगा है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? लॉकडाउन लगे उसके बारे में ठीक है या गलत है? ठीक है, जीरो सुरक्षा के लिए तो बढ़िया है। आप ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। तो अगर लॉकडाउन लगेगा तो आपका काम कैसे चलेगा? काम तो जी पहचान पत्र जारी कर रखा है वो नहीं, अगर पहचान पत्र नहीं होता है तो फिर आप काम कैसे चलाते हैं आपका? आपका तो बन गया, जिनका नहीं बना है वो उनके बारे में, उनके बारे में जी हमारे हाँ जी सर, कुछ कहना चाहेंगे वीकेंड लॉकडाउन के बारे में? लॉकडाउन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं। तो सब्जी वगैरह ठीक बिक रही है? नहीं, काम बिक रही है, रहेगी नहीं मार्केट में, नहीं बिक रही है। तो जो काला बाजारी के बारे में जो सरकार ने प्रशासन ने जो आदेश दिए थे, अगर कोई काला बाजारी करता पकड़ा गया? कोई भी काला बाजारी नहीं है, सब्जी बिक नहीं रही, ये घिया 3 रुपए किलो नहीं बिक रही है, घिया 3 रुपए किलो भी नहीं बिक रही है। जमींदार परेशान है? आप जमींदार हैं? बिल्कुल परेशान है, खेत में तोड़ तोड़ के परेशान है, यहाँ आते बिकता नहीं, यहाँ के बिक नहीं रहा है, मतलब ग्राहक नहीं दिख रहा है, लेकिन भीड़ तो काफी दिख रही है, आप बोलते ग्राहक नहीं दिख रहा है, व्यापारी है सब, सब व्यापारी है, व्यापारी किसान है, लेने वाला कहाँ है? लेने वाला है नहीं, खरीदार नहीं है, कहाँ पर है, देख रहे कोई खरीद रहे? ये सब व्यापारी है, जब कोई बेच नहीं देख रही है। तो लोगों का कहना है कि खरीदार यहाँ दिख नहीं रहा है और सब्जी जो है खराब होगी, कहीं ना कहीं किसान को जो है इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, जैसा कि पिछले साल लॉकडाउन में देखने को मिला था कि किसान और मजदूर और गरीब लोग जो है उनको काफी समस्या का वीकेंड लॉकडाउन और लॉकडाउन की वजह से जो है कहीं ना कहीं लंबा सामना करना पड़ा था। अब लोगों में ये भय का माहौल है कि कहीं सरकार 2 दिन का नाम लेकर और लॉकडाउन को कहीं बढ़ा ना दे। तो यहाँ पर ये किसान है जो खेत से सब्जी लेके आए, हम देख रहे हैं टमाटर जो है यहाँ लेकर आके ये आए हैं, और दूसरा तोरी वगैरह भी लेके आए, बैंगन वगैरह भी लेके आए, हम इनसे पता करते हैं भी कोई समस्या आ रही है क्या इनको, आपको कोई समस्या आ रही है इसमें? ये बिक नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है। हाँ। बिक रहा है तो क्या रेट बिक रहा है? आधे से आधे भाव, मतलब आधे से आधे भाव, कितना भाव आपको मिलना चाहिए? पहले 25 रुपए किलो बिकती थी, अब 10 रुपए किलो बिक रही है, 10 रुपए किलो बिक रही है, मतलब आपको नुकसान हो रहा है? नुकसान ही है ये जमींदार को। तो अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो फिर आपकी क्या राय रहेगी? हमारी क्या राय है, सरकार ने सुधार करने हुआ तो 24 24। तो सरकार ने क्या लॉकडाउन लगा के ठीक किया है? वो अपनी जगह सही है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को तो नुकसान है ही। ये किसान है, इनका कहना है कि पहले 20 से 25 रुपए किलो जो तोरी वगैरह बिक रही थी, लेकिन आज जो है 10 रुपए किलो 8 रुपए किलो जो यहाँ सब्जी बिक रही है, तो कहीं ना कहीं किसान हर जगह मरता दिख रहा है, ये हमने देखा है और आप देख सकते हैं।
कि किस प्रकार से भीड़ जो सब्जी मंडी में लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई यहाँ ध्यान नहीं रखा गया है। आप देख रहे हैं लोगों की अपनी अपनी राय है वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक।